एक फोन कॉल और पटना से लेकर दरभंगा एयरपोर्ट तक सबकी जान सख्ते में आ गई। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की ऐसी धमकी मिली कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पहले से अधिकारियों ने मॉक ड्रिल बताया, लेकिन थोड़ी ही देर में सच्चाई सामने आ गई। समस्तीपुर से कॉल किया गया था, पुलिस ने फौरन फोन कॉल को ट्रेस किया और समस्तीपुर से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाले सुधांशु कुमार को जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी, तब आरोपी ने नगर थाना अध्यक्ष सहित पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। आरोपी की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी निवासी सुधांशु कुमार उर्फ मुकुंद कुमार के रूप में हुई है। हालांकि इस शख्स को जब गिरफ्तार किया गया तो ये कहा गया कि ये शराब के नशे में था, और जब धमकी की बात पूछी गई तो कहा कि मां जा रही थी, उसे रोकने के लिए एयरपोर्ट पर फोन कर दिया। बाहर जाने नहीं देना चाहते थे, वहाँ हमको छोड़ करके जा रही है। मेरा भाई तो गोविंद है, पंजाबी कॉलोनी गली नंबर 1 का, वो हमको रात दिन रातों में मार खिलवाया है केदार के दो बच्चा से। तो क्या किए थे आप? हम कुछ नहीं किए थे। तो फोन कहाँ किए थे? हम भाई को नहीं जाने देने के लिए फोन किए थे। कहाँ? दरभंगा एयरपोर्ट। थोड़ा पानी दिया जाएगा। अरे भैया, लोगों को नहीं लगाया तो आप कहाँ लगा दिए? हमारा मर्जी। थोड़ा दरभंगा एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, बाद में पता चला। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, पानी दीजिए। आप रोजगार सेवक हैं क्या? जी से नौकरी चला गया। पानी दीजिए। मैं वाइफ को फोन लगा दिया, माँ को फोन लगा दिया। मेरे पास आए, पहले अपने भाई से झंझट फरी आए, पारिवारिक झंझट ना है। वो पूरा मकान कब्जा करना चाहता है, 80 रूम का फ्लैट है हमारा, 1 नंबर गली में, सबसे बड़ा बिग बिल्डिंग हमारा ही है। और उसे माथा पर ईटा ढो करके हम बनाए हुए उसको, और जब कहता है हमको यहाँ से भागो तू, हम कह रहे एयरपोर्ट उड़ाएंगे। हमारे माए नहीं जाए, वो एयरपोर्ट पर पहुंचल थी, उसका फ्लाइट लेट हुआ, उसका फ्लाइट के खाली हम नंबर बोले सर उसको सर्च करवा लीजिए, इतने बोले उड़ाने तुड़ाने का ये सब नहीं बोलते, ये सब अफवाह ये लोग उड़ाए, ये सब ढकोचला अफवाह। माए है हमारे, माए आपकी नहीं होती है, पानी मांग रहे तो देने रहे। वहीं इस गिरफ्तारी पर पुलिस ने भी अपनी बात कही है और आधिकारिक बयान भी आया है। अधिकारी को कहा गया था कि वहां बम लगाया गया है, RDX प्लांट किया गया है। उस संबंध में जो SOP के हिसाब से पटना पुलिस और CISF और जो दूसरे लाइन डिपार्टमेंट के लोग हैं, एयरपोर्ट के लोग हैं, सभी के द्वारा एंटी सबॉटेज जाँच की गई थी। स्पेशल ब्रांच की भी टीम आई थी। इस बीच जो फ़ोन करने वाला व्यक्ति था उसको जो है समस्तीपुर पुलिस द्वारा जो है डिटेन कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के क्रम में ये बात आई है कि व्यक्ति जो है वो शराब के नशे में था और शराब के नशे में उसके द्वारा फोन किया गया है। इस मामले में भी ये कहा जा रहा है कि आरोपी मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, लेकिन अभी भी जांच का विषय है कि आखिर किस मकसद से ये धमकी दी गई। समस्तीपुर से जहांगीर आलम की रिपोर्ट, बिहार तक।